है गाइस, मैं हूं आपको फैजान और आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेमस WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स के पर्सनल इन्फो के बारे में और जानेंगे इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर थम्स अप करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल इन्फो के बारे में। तो इनका रियल नेम मर्चेस्ट कस्नेरर है, इनका फेमस नेम साशा बैंक है। इनका जन्म 26 जनवरी 1992 को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनकी एज 2020 में 28 साल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है इंसान के लिए स्टडी कितना मायने रखती है, साशा को भी बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था। इनके पेरेंट्स का कहना है कि जब इनकी उम्र लगभग 10 से 15 साल थी तो ये स्कूल से वापस आकर WWE रेसलर के लिए तैयारी भी करने के लिए जाती थी। जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है जो कोई काम स्टार्ट किया जाए शुरुआत में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह इनको भी शुरुआत में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके शौक के सामने कोई मुश्किल टाल ना सकी। अगर बात की जाए इनकी WWE डेब्यू के बारे में तो इन्होंने अपना करियर NXT में 12 दिसंबर 2012 को स्टार्ट किया था। उसके बाद रॉ की बात की जाए तो रॉ में इन्होंने 13 जुलाई 2015 में इंटरेस्ट लिया था। जैसे कि आप सबको पता है मुश्किल के बाद ये आसानियाँ आती हैं। अगर बात की जाए इनके अचीवमेंट के बारे में तो ये एक बार NXT वोमेन चैम्पियन रह चुकी हैं, दो बार रॉ वोमेन चैम्पियन और ये 2015 में प्रो रेसलर का भी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। फैमिली का सपोर्ट हो तो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। यही वजह है कि साशा आज लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। इनकी मदर का नाम ज्योति वरंडा है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक रेसलर के लिए फिजिकल स्टेट कितना मायने रखती है। अगर बात की जाए इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में तो हाइट इनकी 5.5 फीट है। वेट की बात की जाए तो वेट इनका 60 kg है। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो ये अभी तक अनमैरिड हैं। जी दोस्तों, ये पॉपुलैरिटी के साथ साथ लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पर मैच तकरीबन पाकिस्तानी 10 से 15 लाख रुपए लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी 2019 में नेटवर्थ $5 मिलियन लगाई गई है। पर्सनल इन्फो के बाद अब हम देख लेते हैं फैमिली जोन में इनकी कुछ पर्सनल इमेजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है इसको जरूर थम्स अप करें। तो चलिए देखते हैं इनकी कुछ पर्सनल इमेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी भी सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी बनाई जाए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं फुल कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई भी करूं और उस पर वीडियो भी बनाऊँ। अब लास्ट में एक आपको काम की बात बताता चलूँ, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने छोटों से प्यार करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह।